जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लेट्स स्टार्ट द सत्संग। और आप सभी को जय गुरु जी। और स्टार्ट करते हैं जर्नी से, कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे हम लोग गुरु जी से मिले। और आई मीन ऑब्वियसली हम लोग गुरु जी से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, बट इस लाइफ टाइम में हम गुरु जी से कब और कैसे जुड़े, इससे मैं स्टार्ट करना चाहूंगी अब सत्संग। ठीक है, तो घर में दादी आनंदपुर वालों को मानते हैं, बट पूजा करते थे, वो आरती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मतलब सत्संग में जा रहे हैं या कुछ ऐसा कि मुझे भी उस चीज़ से कुछ और ज़्यादा मतलब सीखने को मिलता। तो ऐसा इतना हार्ड एंड फास्ट रूल घर पे था नहीं, तो समझ ही नहीं आता था कि किसको मानना चाहिए किसको नहीं मानना चाहिए। जिसकी भी स्टोरी सुनो सब ऐसे लगता था ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बीट कृष्ण जी और राम जी या कोई भी और, सब में ऑब्वियसली बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो हमें बहुत इन्फ्लुएंस करती है, बहुत पॉजिटिव बनाती है। तो समझ नहीं आता था किसको मानना चाहिए। तो अब एक ही क्वेश्चन यू नो आने लगे दिमाग में जैसे जैसे बड़े हुए, कि कोई एक तो होना चाहिए, बट कौन, क्योंकि सारे अच्छे हैं, सभी इतने अच्छे तो किसको माने एक को। तो फिर 2015 में गणेश जी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुए। मेरे पास ऑलरेडी गणेश जी का स्वरूप था, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया हुआ था, बट सिर्फ रखे हुए थे, मतलब पूजा प्रॉपर कैसे करनी है या फिर किसी एक को कैसे मानना चाहिए ये नहीं पता था। तो फिर उसके बाद आरती पूजा करना स्टार्ट किया मॉर्निंग इवनिंग में, तो थोड़ा सा एक कॉन्सेंट्रेशन, एक थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा लगने लग गया। एंड देन उसके बाद 2016 में फर्स्ट टाइम हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पापा को बोला कि आप एक बार ही ले जाओ, बस देखना है। आज से 4 साल पहले, बिकॉज आप 2020 है और मैं 2016 की बात कर रही हूँ, तो आज से 4 साल पहले गुरु जी का मंदिर ऐसे फेमस था कि सब ऐसे बोलते होते थे, अच्छा आपको अगर देखना है ना कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े कैसे पहनते हैं, अच्छे से तैयार होके कैसे जाते हैं, सिस्टमैटिक चीज़ें कैसे होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि सब चीज़ें सिस्टम से कैसे हैंडल की जाती है, तो आपको एक बार ही बड़े मंदिर ज़रूर विजिट करना चाहिए। बस ये था, कुछ और नहीं पता था। लंगर प्रसाद की इतनी वैल्यू नहीं पता थी, चाय प्रसाद की वैल्यू नहीं पता थी, बस ये पता था कि ठीक है कुछ एक अलग है, मतलब जो हमने यूजुअली मंदिर में गुरुद्वारा में देखा है उससे कुछ तो डिफरेंट है। तो और सब कार्स के पीछे गुरुजी के स्टिकर्स लगे हुए देखे, तो बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि कौन है गुरुजी, क्या लिखा होता है ये, एक बार तो देखना चाहिए, मतलब एक बार तो जाके आना चाहिए कि क्या है। तो पापा को बोला कि एक बार ले जाओ, एंड टू माय सरप्राइज ही ऑल्सो अग्रीड कि ठीक है ले चलता हूँ। वो लेके गए हमारे साथ में, हमारे 2 कजन्स भी गए, और वहाँ पे जाके पता चला कि छोटे से छोटे बच्चे को लेके बड़े तक अंकल आंटी बोला जाता है सबको। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमारी सबकी एक इंडिविजुअल जर्नी स्टार्ट होती है गुरुजी के साथ। जब हम वहाँ जाते हैं तो हम अपना एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे हमारे सिस्टर हमारे ब्रदर ये सब हमारे रिलेशन मैटर नहीं करते। और वहाँ जाके आपको सिर्फ अपना देखना है, आपको ये नहीं देखना कि मेरे फैमिली से कोई आया तो उनको प्रसाद मिला है नहीं मिला है, मतलब ये सब चीज़ें बहुत नई थी। बहुत अच्छा लगा ये सब देख के कि अच्छा ओके, मतलब बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री। और जैसे द मोमेंट यू एंटर द बड़े मंदिर आप बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाते हो। यस संगत जी, आप लोगों ने पहले भी ये बात सुनी होगी, बट ये एक्चुअली में एक्सपीरियंस तभी होता है जब आप कभी खुद जाके विजिट करो। आप जाओगे और आपको आपको लगेगा कि क्या है ये, कुछ मतलब वाओ, मतलब ये एक्सपीरियंस ऐसा लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है जो आई मस्ट से कि एक बार तो सबको करना चाहिए। बुलाना डेफिनेटली गुरुजी की मर्जी है, जोड़ना डेफिनेटली गुरुजी की मर्जी है, पर एक बार हम सबको ही बोलते हैं कि प्लीज आप एक बार ही तो विजिट करके देखो, अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है यही है यही है, तो एक बार ही विजिट करना बनता है। ठीक है, हम भी गए वहां पे, समाधि वगैरह पे दर्शन किए, मत्था टेका, बैठे। अब चाय प्रसाद का ये था, घर में अगर चाय प्रसाद में चाय बनाते वक्त कोई कुछ भी अगर गलती से अदरक इलायची कुछ भी डाल देना, मैंने मुंह नहीं लगाना होता था चाय को, मैंने नहीं पीनी, आप चाहे इसको फेंको जो मर्जी करो मैं नहीं पीऊंगी। बट वहां पे इतना सुना था कि जो मिलेगा पूरा फिनिश करना है प्रसाद, छोड़ना नहीं है जरा सा भी। ठीक है, अब सुना है सब पी रहे हैं साथ में, तो फिर आपको भी पूरा फिनिश करना है क्योंकि उसमें बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। तो ठीक है, अब जैसे ही एक सिप लिया उसमें इलायची का इतना अच्छा टेस्ट था, इतना अच्छा टेस्ट, और वो पीते ही इतना डिवाइन फीलिंग आई कि इससे पहले ऐसे वाली चाय प्रसाद कभी घर पे हमने पी ही नहीं होती। वो बहुत ही अलग था, बहुत, क्योंकि वो प्रसाद तो डेफिनेटली बहुत ही यम्मी था, बट
कुछ अलग ही था, वो पी के एक्सपीरियंस ही बहुत अलग लगा। तो ठीक है, वो हुआ, उसके बाद हम मंदिर दर्शन करने गए, मत्था टेका, सब चीजें हुई। तो पर ऐसा नहीं था कि जाती मुझे ऐसा लग गया कि ठीक है बस गुरुजी ही है, मुझे बस इनको ही मानना है, इनके अलावा कुछ नहीं। मैं कुछ जानती भी नहीं थी गुरुजी के बारे में तब तक, बट ठीक है, एक अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी थी कि बस लग रहा था कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि यहाँ पे जरूर जरूर आना चाहिए। तो जैसे ही फिर हम लोग मत्था टेक के बाहर निकले, संगत जी जो गए हैं उनको पता होगा जहाँ पे गुरुजी के चोले रखे हैं, जहाँ गुरुजी का बेड है, उसके नीचे बेसमेंट में पहले आज से 4 साल पहले लंगर कराया जाता था। तो मैं बहुत ही लकी फील करती हूँ, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वहाँ गुरुजी ने फर्स्ट लंगर वहाँ पे करवाया था। तो बहुत अच्छा लगा लंगर करके, वो एक वाइब इतनी अच्छी थी। ठीक है, वो करते कराते हम घर वापस आ गए, कुछ ऐसा नहीं था और कुछ मांगने भी नहीं गए थे। और जो पहला वचन गुरुजी ने वहां पर सुनाया था वो था, इबादत कर नाल गल बनती है, किसी दी अज बनती है, किसी दी कल बनती है। तो वो ऐसा स्ट्राइक कर गया ना माइंड में कि वाओ, मतलब कोई वहां पे प्रवचन नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, बस आपको सुनना है, ध्यान लगाना है और नेक्स्ट लेवल। बहुत अच्छा, ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस हो गया, हम घर वापस आ गए। उसके बाद फिर क्यूरियोसिटी होनी स्टार्ट हुई कि नहीं, अब तो जानना है कि कौन है गुरुजी, क्या है, मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। तो फिर यूट्यूब पे सत्संग सुनने स्टार्ट किए, बहुत सारे सत्संग अवेलेबल हैं एज वी ऑल नो। तो बहुत सारे सत्संग वहां पे सुने, पता चला कि वाह गुरु जी ऐसे भी करते थे, ऐसा भी होता है, वाह ओके। मतलब बहुत किस्मत वाले हैं कि हम वहां पे एटलीस्ट उनको विजिट भी कर पाए, क्योंकि सत्संग में सुना है कि बिना उनकी आज्ञा के हम लोग नहीं जा सकते। तो बहुत लक्की फील करते हैं कि हम जा पा रहे हैं। उसके बाद फिर एक दो बार और पापा वगैरह के साथ हम लोग गए, बहुत अच्छा लगा। बट उसके बाद फिर गुरुजी ने क्या स्टार्ट किया मेरे लाइफ में, क्या उन्होंने चेंज किया बेसिकली, वो ये चेंज किया, मैंने कॉलेज भी SOL से किया है, ओपन लर्निंग से किया है। तो साथ साथ जॉब कर रही थी, जॉब भी विद इन माई एरिया ही थी, दैट इज शाहदरा ओनली। तो शाहदरा में ही रहती थी, शाहदरा में ही पढ़ती थी, वहीं पे घर था, तो बाहर जाना आता ही नहीं था। मतलब मैं इनफैक्ट ऐसी इतनी डम्बो थी, अभी भी हूँ बिल्कुल जीरो, लेकिन इतनी डम्बो थी कि मैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे जाके रास्ता भूल जाती थी, खो जाती थी मैं। और मैं एक्चुअली मैं गुम हो चुकी हूँ मतलब कश्मीरी गेट जाके। और मुझे इतना लगता था गुरु जी कि मतलब वाह, सारे तो मतलब इतने एडवांस है, कोई कहाँ जा रहा है, कितने इंडिपेंडेंट है, और मैं शाहदरा से, ठीक है ऐसे कभी रिक्वेस्ट नहीं की थी गुरुजी से कि कुछ चेंज करो, बट मन में होता था कि यार ठीक है, बहुत ही डम हूँ यार मैं, यहाँ से कहीं बाहर ही नहीं जा सकती। गुरुजी ने एवरी मंडे मंदिर बुलाना शुरू कर दिया अकेले मेट्रो में, मतलब इतना अच्छा लगता था ना, कोई डर नहीं, ऐसे हर एवरी मंडे ऐसे रेडी होके जाना। उस टाइम मेरी जॉब नहीं थी, उसके बाद जॉब हट गई थी, मतलब छोड़ दिया था। तो मतलब ऐसे तैयार होके जैसे किसी शादी में जा रहे हैं, मतलब फुल ऑन ड्रेसअप होके कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस ठीक है मंदिर जा रहे हैं, ऐसा कि आपको जो सेटिस्फेक्शन दे रहा हो, आपको जो खुशी देता हो तैयार होके। तो बस मंदिर जाना स्टार्ट किया, एवरी मंडे गुरुजी ने बुलाना स्टार्ट कर दिया, मम्मा भी हैरान घर पे सारे, ये अकेली छतरपुर चली जाती है, तो सब बहुत खुश थे कि वाह गुरुजी ने कितना बड़ा चेंज किया, कितना अच्छे से इंडिपेंडेंट किया। और ऑब्वियसली टाइमिंग उनके होते हैं, रिक्वेस्ट और एक जो हम लोग मांगते रहते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, या हमें लगता है कि ये चीज़ अच्छी हो सकती है, तो हम लोग वो सब में रह जाते हैं। बट टाइमिंग गुरुजी के ही होते हैं, आप जो मर्जी मांग लो, जो मर्जी कर लो, करना गुरुजी ने अपने टाइम के अकॉर्डिंग किया। एवरी मंडे जाना और एवरी मंडे मत्था टेक के बस इतना बोलना, गुरुजी अपने चरणों से लगाए रखना और सद्बुद्धि का दान बख्शना, हाँ यही बोला था पूरे एक साल पूरे गुरुजी ने बुलाया तब तक। थैंक यू गुरुजी कि उन्होंने कुछ भी दिमाग में ये नहीं डाला कि ये भी मांग ले, वो भी मांग ले। मुझे नहीं पता वो वाली रिक्वेस्ट मेरी कहाँ काम आ गई कि आई डोंट नो, शायद ये पॉसिबल हो पा रहा है कि सिर्फ ये मांगना ये बहुत बड़ी बात है, और अगर दिमाग में बैठ जाए ना तो बहुत अच्छा है। बस इतना मांगना गुरुजी, सद्बुद्धि दो और अपने चरणों कमलों में लगा के रखना, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मांगना। ये प्रैक्टिस कर करके आता है, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ कि नहीं मांगना, प्लीज नहीं मांगना चाहिए कुछ भी। फिर एवरी मंडी जाके सब रूप लेके आती थी, वहां पे स्टॉल होता है, मतलब गुरुजी का एक बना हुआ है रूम टाइप बाहर, और ब्लेसिंग काउंटर, एंड वहां से हमें सब रूप मिल जाता था। आज से 4 साल पहले पूछते भी नहीं थे कि आपके पास सब रूप है नहीं है, अब नहीं देते, अब पूछते हैं कि क्या आपके पास सब रूप है। ऑब्वियसली आप वहां खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते कि नहीं है, तो अब अगर मैं कभी लाइन में खड़ी होती हूँ तो मना कर देती हूँ, नहीं आंटी है स्वरूप, तो वो कहते हैं आ जाओ बाहर, फिर जिनके पास नहीं है उनको लेने दो, ओके ठीक है।
इतने स्वरूप मिले पूरे एक साल, मतलब एवरी मंडे किसी सत्संग में जा रहे हैं, तो किसी के कोई ब्रदर सिस्टर बन गया है संगत में ही, तो उनके घर पे सत्संग हो रहा है तो वो स्वरूप दे रहे हैं, बहुत सारे स्वरूप मिले गुरु जी के, इतनी ब्लेसिंग इतनी ब्लेसिंग। उसके बाद गुरु जी ने एम्पायर स्टेट बुलाया। आज भी बहुत सी संगत है जो एम्पायर स्टेट नहीं जा पाई है, तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि गुरुजी ने वहां पे भी बुलाया, एम्पायर स्टेट के दर्शन करवाए बिना किसी डर के, कि बस पता चला अच्छा नेक्स्ट स्टॉप पे ही है, ठीक है ओके चलना है, इतना कॉन्फिडेंट गुरुजी ने बना दिया था उस टाइम। अभी भी तो बस ये था, ठीक है मंदिर चले गए। वहां पे मुझे एक मल्होत्रा अंकल मिले। मैंने उनको बताया मुझे ना बड़ा स्वरूप चाहिए, और सबके पास होता है, मेरे पास नहीं है, मेरे को बड़ा स्वरूप चाहिए, छोटे स्वरूप मुझे बहुत मिल गए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तेरे को नेक्स्ट बार में लाके दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। और मंदिर में बड़ा स्वरूप तब मिलता है जब आप बोलते हो कि आपके घर में सत्संग है, जब आप बताते हो, और जबकि सत्संग नहीं था। अंकल ने मुझसे पूछा तेरे घर पे सत्संग है, मैंने कहा नहीं, क्योंकि तब सत्संग का पता ही नहीं था, मेरे अलावा घर पे कोई और है ही नहीं जो गुरुजी से कनेक्टेड हो उस टाइम पर, तो सत्संग भी होता है कैसे होता है ये तो पता ही नहीं था। बट ठीक है, चल रहा था कि बहुत एक अटैचमेंट महसूस होने लग गई थी कि बस जो है गुरुजी है, एक उस पॉइंट पे बहुत अच्छे से आ गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने स्वरूप दिया ये पिंक वाले स्वरूप। अब पिंक वाला जब उन्होंने गुरुजी ने मतलब ये वाला स्वरूप दिलवाया, तब ये स्वरूप बिल्कुल कॉमन नहीं था, बिल्कुल भी कॉमन नहीं था, कोई जानता भी, मतलब बहुत ही रेयर किसी ने देखा होगा ये स्वरूप, किसी ने नहीं देखा था उस टाइम तक। ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे नहीं पता कि शायद मंदिर में कुछ एक टाइम लिमिट के बाद वो रेन्यूवेट करते हैं अंदर बड़ा मंदिर के स्वरूप की, थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। उसी टाइम जिस टाइम ये मिला, उसके थोड़े दिन बाद ही चेंजेस करके ये वाला स्वरूप ही बड़े मंदिर में उन्होंने स्थापित कर दिया। और वो देख के इतना अच्छा लगा कि गुरुजी आप पहले ही इसलिए आए थे कि आप वहां से कनेक्ट फील कर पाओ, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का, बहुत अनंतम शुक्राना है। और एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन जो बार बार मेरे नोन में लोग पूछते हैं, जो मानते नहीं है अभी तक भी गुरुजी को, इसको कुछ तो मिला होगा, इसको कुछ बहुत बड़ा मिल गया तभी जाती है ये, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन ऑब्वियसली सब कुछ मिला है, बट ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए जाती हूँ या इसलिए कनेक्टेड हूँ या कोई भी और संगत की हमें कुछ लालच है या हमें कुछ बहुत बड़ा मिलना चाहिए। हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ होते हैं, हमारे पेरेंट्स से हम एवरी टाइम तो कुछ कुछ नहीं मांग रहे होते ना कि हमें ये दो वो दो, बट क्या हम उनसे कनेक्टेड नहीं होते, क्या हम उन्हें प्यार नहीं करते? डेफिनेटली करते हैं। तो ये भी वही है, ये भी तो भगवान है, रब है, हमारे सब कुछ है। आई मीन तो इनसे हम सेल्फलेस होके प्यार क्यों नहीं कर सकते? आई डोंट नो, लोग क्यों नहीं समझते, लोगों को लगता है कुछ तो मांगा है, कुछ तो पूरा हुआ है तभी जाते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, और मांगना तो है ही नहीं। गुरु जी खुद कहते थे, पुरानी संगत बताती है कि गुरु जी कहते हैं कि मंगो नहीं मनो। उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना ही है कि गुरु जी बोलते हैं कि आप मांगोगे तो मुझे वो वापस देना पड़ेगा एक कुछ टाइम के बाद, लेकिन अगर आप मांगोगे नहीं तो मैं आपको इतना कुछ और इतना प्यारा दूंगा, क्योंकि ही इज द राइटर ऑफ आवर स्टोरी। ये हमारी लाइफ लिख रहे हैं, गुरुजी हमारी लाइफ लिख रहे हैं। तो जो राइटर होता है तो वो अपनी बुक में सबसे बेस्ट ही लिखता है, हमें पता है ये बात। तो हमें राइटर को समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखना है बुक में, राइटर को सब पता होता है। तो प्लीज सरेंडर करना है, सिर्फ गिव अप करना है अपनी जो भी फीलिंग्स जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कि गुरुजी जो आपने करना है आप कर दो, हमें नहीं पता, आप बेस्ट करोगे। और उसके कुछ टाइम बाद लाइफ में एक ऐसा फेज भी आया जहां मुझे भी हुआ कि नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता गुरुजी आप दो और ऐसे करके, बट घर में सबने मना किया नहीं ये आपके लिए ठीक नहीं है, पंडित को दिखाया, बोला लाइफ थ्रेटनिंग है, ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। तो बट उस टाइम बस एक ही विश्वास था कि गुरुजी अच्छा है या बुरा है आप बताओगे कि बुरा है। तो घर में सब मजाक उड़ाते थे कि मतलब गुरुजी क्या आपके पास उतर के आएंगे, आपको बताएंगे कि नहीं नहीं ये तेरे लिए ठीक नहीं है। बट फिर भी बस एक फेथ था कि गुरुजी आप हो ना, आप अपने आप बताओगे कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, क्योंकि ये जो चीज हुई है वो भी आपने कराई है, और नहीं कराओगे तो भी आप ही कराओगे। तो बस एक ही फेथ था। और गुरुजी सबसे पहले जब भी मंदिर जाओ तो सब मुंदरियां उतरवाते थे कि आपको एस्ट्रोलॉजर पे बिलीव नहीं करना है, आपको रिंग्स नहीं पहननी है एस्ट्रोलॉजी वाली, क्योंकि वो बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स अच्छे हैं, वो एक टाइम लिमिट तक आपकी एक चीज को रीड करके बता सकते हैं कि ये आपका फ्यूचर हो सकता है, बट जो फ्यूचर लिख रहे हैं हम उन्हीं पे क्यों नहीं बिलीव करें? वो एक डायरेक्ट कनेक्शन हमें तब भी सिखा रहे थे और अब भी यही सिखा रहे हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें उन पे ट्रस्ट रखना है। आसपास तो बहुत सारी चीजें चल रही है, वो बोलेंगे इसको मान लो उसको मान लो, बट हमें वो नहीं करना है। तो ओके, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट,
गुरु जी ने एक्चुअली एंड में वो चीज मुझे दिखाई कि वो मेरे लिए गलत थी, वो मेरे लिए ठीक नहीं थी, और उसके बाद थैंक यू और सॉरी दोनों बोला कि आज के बाद नो डिमांड्स एट ऑल, कुछ नहीं मांगना है, जो करना है आपने करना है, आप अपने आप करना, और बहुत शुक्रगुजार है, जो हमें चीजें नहीं मिलती उसके डबल शुक्राने करने चाहिए। यस, ये इन 4 सालों में अभी तक यही प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही सीख रही हूँ कि जो चीज नहीं मिलती ना वो आपके बेस्ट के लिए नहीं मिलती, तो प्लीज उस चीज का रोना नहीं है, उस चीज का डबल थैंक यू करना है गुरुजी, क्योंकि बहुत लकी हैं हम जो गुरुजी हमारी लाइफ रेगुलेट कर रहे हैं, बहुत कम लोगों की लाइफ रेगुलेट करते हैं गुरुजी, और अगर हम यारी कर रहे हैं तो हमें तो थैंक यू ही करना चाहिए। ओके, और एक चीज, जैसे अब क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि हमें कुछ चाहिए, सपोज हमने गुरुजी से मांगा गुरुजी हमें चीज दे दो, नहीं हुई पूरी, फिर हम आगे चले गए, किसी ने बताया कि आगे वो हनुमान मंदिर है किसी के उनके पास जाके मांगो, वहां पे मन्नत पूरी होती है, वहां चले गए, वहां भी नहीं हुई, फिर किसी ने बोला आगे शिव मंदिर है वहां जाके मन्नत मांग के देखो, वहां भी हो जाती है, वहां भी नहीं हुई, तो कहीं और गए वहां हो गई, तो वहां कहीं और में क्यों हो गई, गुरु जी के पास ही क्यों नहीं हुई? इसका आंसर सिर्फ इतना है कि भगवान तो एक ही है, यहाँ भी वहां भी और हर जगह भगवान एक ही है, लेकिन वो जो टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ से 1 से 3 में जाने में लगा, वो आपके गुरुजी ने कर्म काटने ही थे, एनी विच वेज वो आपकी कर्म कटने का टाइम पीरियड है ही है, अगर उसको 5 दिन लगने हैं तो 5 दिन ही लगेंगे कर्म कटने में, तो वाई नॉट कि हम एक ही पे स्टे करें, एक ही को माने और बस उन पे सरेंडर कर देना, सिर्फ उन्हीं को मान ले, अगर हमारा बेड़ा किसी एक से पार नहीं ना हुआ तो किसी से भी नहीं होना, तो फिर प्लीज हमारे को तो इतने इतना मतलब पावरफुल हमें एक चीज मिली हुई है, तो हम उनको क्यों नहीं प्रेयर करते, उन्हीं पर क्यों नहीं टिकते, हमें बहुत सारी जगह नहीं जाना, एक ही जगह पे रहना है, उन्होंने ही सब कुछ कर देना अगर वो हमारे लिए सही होगा तो, और नहीं होगा तो उनको फिर पता है कि उन्हें क्या करना है, हमसे ज्यादा बेटर जानते हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है लाइफ में किसी की, कि आपको कोई पहचाने, ये अचीवमेंट होती है ना कि कोई आपको दूर से पहचान लेता है, आप किसी रेप्यूटेड कंपनी में हो चाहे तब, मैं बिल्कुल 0 हूँ, बट जब कोई दूर से देख के पहचानता है ना, अच्छा वही हो ना जो गुरुजी के सत्संग में सेवा करते हो, ओहो सबसे बेस्ट फीलिंग है वो, सबसे बेस्ट, मुझे नहीं लगा था मैं कभी लाइफ में ये चीज अचीव कर पाऊंगी, कभी ये लाइफ में होगा, बट हुआ, आई एम सो 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 ग्रेटफुल कि गुरुजी आपने इतनी अर्ली एज में, आई डोंट नो मुझसे भी छोटे हैं बट स्टिल इस एज में गुरुजी ने कनेक्ट किया, बहुत ही अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। ओके, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे थे कि साथ में हम पूछ सकते हैं। ओके, सो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो होता है वो होता है, डज माय सत्संग मेक सेंस, क्या मेरा सत्संग भी कुछ मीनिंग रखता है? क्यों? क्योंकि हमें क्या लगता है कि जब तक कोई डेथ थ्रेटनिंग सत्संग ना हो, किसी की डेथ की बात ना हो, उससे हम वापस आए हों, बी इट कैंसर और कोई बड़ी बीमारी जब तक ना हो, उसका सत्संग ना हो ना, तो वो सत्संग नहीं लगता। बट नहीं, ऐसा नहीं है, वो सत्संग होता है। क्यों? छोटे से भी सत्संग सत्संग होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए गुरुजी ना करे कभी हमें उस स्टेज पे जाना भी पड़े, गुरुजी ना करे कि माई लाइफ में वो बात भी आए कभी कि यू नो कि कभी भी ऐसा लगे कि हमारे को डेथ स्ट्रेटनिंग वाले सत्संग सुनाने पड़े। नहीं, हमारी लाइफ में डे टू डे गुरुजी सत्संग करते हैं और वो ही बहुत अच्छे हैं, वो सत्संग होते हैं। और गुरुजी कहते हैं ना, सत्संग करण वाले हैं दा भी कल्याण, तो सुनन वाले हैं दा भी कल्याण, तो करना तो है ही एनीवेज। और छोटे छोटे सत्संग, अब जैसे मैंने आपको बताया मेट्रो वाला, कई लोगों को लग रहा होगा बहुत छोटी सी बात है, ये क्या बात हो गई कि यहाँ से यहाँ तक जा, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। मेरे को घर से बाहर निकलना नहीं आता था, गुरुजी ने सिखाया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है ना, और आई एम श्योर किसी ना किसी के लिए वो सत्संग जरूर अच्छा होगा। तो कभी भी हमें हेजिटेट नहीं होना कि यार लोग तो इतना बड़ा बड़ा सत्संग सुना रहे हैं कि उनके लाइफ में ऐसा हो गया था, ऐसा गुरुजी ने रहमत करी है। सत्संग सत्संग है और हमें सुनाना है, क्योंकि गुरुजी कहते थे वही हमारी मेडिसिन है, इनफैक्ट कहते हैं कि यही मेडिसिन है हमारी, हमें सिर्फ शुक्राना करना है, और शुक्राना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक बताएंगे नहीं तो शुक्राना कैसे होगा, तो किसी ना किसी से शेयर करना, जो प्लेटफॉर्म मिलता है उस पे जरूर करना चाहिए। इज ही इवन लिसनिंग टू आवर प्रेयर्स, ये क्वेश्चन भी बहुत होता है कि वो सुन भी रहे हैं हमें, हम तो कहते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वो हमें हमारी बात सुनते भी हैं। यस, बहुत नेड़े होके, बहुत पास रह के आपकी वो आपकी सारी बातें सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। अब आई डोंट नो, ये जो गुरुजी ने सोल मुझे दी है इस लाइफ टाइम में, उसकी ये एक खासियत मुझे लगती है, कभी भी अपसेट हूँ, कभी भी कुछ प्रॉब्लम है, कभी किसी को फोन करके रोती नहीं हूँ मैं।
आई डोंट नो, ये गुरु जी की देन है, गुरु जी के ही पाथ पे चलने की एक प्रैक्टिस है कि कभी किसी को फोन करके रोना नहीं कि ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि किसी के पास सोल्यूशन नहीं होता, सोल्यूशन सिर्फ गुरु जी के पास होता है। बट अब ये भी सुना है कि गुरु जी से तो आपको कुछ मांगना नहीं है, तो इतना कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना कि गुरु जी किसी से मांगना भी, आपसे कुछ मांगना भी नहीं है, किसी को बताना भी नहीं है, तो करूं क्या, किसको बताऊं। तो भी फिर सामने गुरु जी के बैठ के रो लेती हूँ, थोड़ा सा खुश हो लेती हूँ, उनसे बातें ट्राई करो कि उनसे बातें करो, वो अपने आप विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो उनका टाइम पीरियड, जो वो टाइम डिसाइड करेंगे, उसमें आपको इतना वो सूदिंग फील करवाएंगे, इतना अच्छा फील करवाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको किसी की जरूरत थी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को फोन करके रोना नहीं चाहिए, किसी को कभी भी किसी को बतानी नहीं चाहिए प्रॉब्लम्स कि मेरे साथ ये हो गया है, मेरे को ये हो रहा है, क्योंकि कोई कुछ नहीं करेगा, करना गुरुजी ने ही है। तो वो ही टाइम, और जब हम इस टाइम पीरियड पे होते हैं ना कि हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होती है, या हमें कुछ यू नो लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, या फिर हम तो बहुत फंस गए हैं, तो उस फंस गए वाले टाइम में ही सबसे बेस्ट टाइम है कि हम गुरुजी से बहुत ही अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो ही हम गुरुजी से, भगवानों से अपने एक कनेक्शन बनाते हैं, जब हम बहुत सुखी होते हैं तो बहुत ही मतलब 1% 10% ही हो पाता है कि हम वो एक कनेक्शन स्ट्रांग वाला फील कर सकें। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सुखी हो, दुखी हो, खुश हो, अच्छे हो, ये कनेक्शन गुरुजी से जरूर और जरूर फील करें। एंड उसके बाद एक सत्संग, हम लोग यहाँ से अपने एरिया से कैब करके जाते हैं बड़े मंदिर। तो क्या हुआ कि मैं एक बारी जॉब पर थी और ऑफिस में नहीं था कि मैं हाफ डे भी ले सकूं, तो मेरे को ये था कि मैं इवनिंग में डायरेक्ट पहुंचूंगी और दादी वगैरह, क्योंकि दादी मेरे बिना नहीं जाते, उनको होता है मेरा हाथ पैर पकड़ के बिल्कुल 2-2 मिनट में ऐसे उतरती रहती है वहां पे सब चीजों में, तो मेरे को कोई ना कोई चाहिए होता है बिकॉज शी इज ओल्ड। तो बट ऑब्वियसली संगत इतनी अच्छी है तो बहुत उनका ख्याल रखती, बट स्टिल उनको है क्योंकि बुजुर्ग हैं, बच्चे हो जाते हैं जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो नहीं समझ रहे थे इस बात को। बट चलो एनीवेज मैंने उनको फोर्स किया कि आप पहुंचो, मैं आपको डायरेक्ट वहीं मिल जाऊंगी। अब वहां मिल गए, अब मिल गए वहां पे बाद में, तो उससे पहले जैसे ही उन्होंने लंगर प्रसाद करके बाहर आए, लंगर प्रसाद करते ही हम जब नीचे आते हैं तो आपको पता होगा संगत जी, एक सीढ़ी है जहाँ पे सेवादार जी खुद ही खड़े होकर बोलते हैं कि प्लीज नीचे ध्यान से देख के चलना वरना आप गिर जाओगे अगर आपका ध्यान नहीं होगा। इनका ध्यान साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे किचन में था, क्योंकि मैं दादी को बताती होती थी आके कि मम्मा आज ना मैंने वहां सेवा की है और आज तो ना वो वाली किचन में भी जाने का मौका मिला, गुरुजी ने वहां भी मौका दिया। तो वो सिर्फ देख रहे थे उधर किचन की साइड की, अच्छा ये ऐसे प्रेयर मतलब ऐसी किचन में सेवा करती होगी या ये ऐसी लगती होगी, एंड इन बिटवीन क्योंकि उनका ध्यान नहीं था और वो गिर गए, और वो गिर गए उनको बहुत जोर की बैक में, उस टाइम बहुत एक पॉइंट पे बहुत पेन हुआ। ठीक है, अब उनकी एक बैक इंजरी भी हो चुकी है, पहले तो बहुत डर लग रहा था कि अब तो मैं गए, एक तो वो आना नहीं चाह रहे थे, ऊपर से मैंने उनको फोर्स किया, ऊपर से वो गिर गए, वो मुझे मिले नहीं थे, बाद में मिले, तो अब तो मैं, अब तो बहुत सुनने को मिलेगा। और गुरुजी को बस यही प्रेयर कर रहे थे कि गुरुजी प्लीज सब ठीक कर दो, रात का टाइम है, घर पे हम दो ही हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बट बंदर जाप करते करते हम लोग कैब में बैठे और विद इन दैट टाइम ही गुरुजी ने रहमत करी, उनको ठीक किया। हम लोग फिर भी, मैंने रास्ते में रुकवा के मेडिकल स्टोर में और दवाई लिया कि रात के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बट जैसे ही हम घर पहुंचते हैं, टू माई सरप्राइज मैंने उनको बोला ये दवाई खा लो या कुछ लगा लो, आई एम ओके, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। एंड मुझे ये बिलीव नहीं हुआ कि अभी जो इतनी जोर की वो गिरे हैं और अभी वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सुबह उठ के भी पूछा कि पक्का से बताओ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आई एम टोटली फाइन। वो आज भी बाम ऐसे का ऐसे ही रखा है, और दवाई तो हमने फेंक दी है, बट बाम ऐसे का ऐसे ही रखा है, वो यूज ही नहीं हुआ क्योंकि उनको प्रॉब्लम हुई नहीं। और ये बात कहते हैं गुरुजी, जब भी आप उनका नाम लो, कभी भी अगर आप उनकी मंदिर में गिरे हो, कहीं भी गिरे हो, दैट मीन्स कि आपको कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में ही कट गया। तो आई एम श्योर गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी दादी का उसमें ही काट दिया था। तो बहुत अनंतम शुक्राने हैं गुरुजी के कि वो ये भी करते हैं, और वो ये नहीं, वो बहुत कुछ करते हैं एक्चुअली। उनको सिर्फ फेथ चाहिए, उनको सिर्फ विश्वास करना है हमें उन पे, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ विश्वास। उसके बाद गुरुजी ने मंदिर में भी सेवा करने का मौका दिया, ओपन सेवा में जाने का मौका दिया, इतना अच्छा लगता है, मतलब वहां की वाइब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मतलब सारे के सारे एक ही थॉट प्रोसेस से आए हैं, सारे के सारे उस ऑरा से आए, उस पॉजिटिविटी से आए होते हैं कि बस सब गुरुजी को मानते हैं। एंड इससे एक बात, गुरुजी वर्ड में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको कोई अननोन मिला है, कोई भी, कोई रिच हो, कोई पुअर हो, कोई मिडिल क्लास,
कोई भी कैसा भी हो, आपने उसको सिर्फ जय गुरु जी बोल दिया एंड यू आर सॉर्टेड, मतलब वहीं पे आपकी वाइब इतनी सही मैच कर जाएगी ना। और हमें पता है कि इन रिटर्न मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए। हमें किस चीज का लालच होता है कि वो हमें अपने सत्संग सुनाए और हम उन्हें अपने सत्संग सुना पाए, ताकि उनके सत्संग से शायद हम कुछ सीख पाए और हमारे सत्संग से शायद वो कुछ सीख पाए। तो बस इतना इतना एक लालच हम लोगों को होता है जय गुरुजी बोलने के बाद कि कुछ तो, मतलब गुरुजी आज तो कुछ सुनने को मिलेगा अच्छा सा, तो और कुछ भी नहीं। बट इस वर्ड में इतनी पावर है, इतनी पावर है, सिर्फ जय गुरुजी बोलने से ही ना गुरुजी तार देते हैं, ये फैक्ट है। और बहुत 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 शुक्राने हैं गुरुजी के। अभी लेटेस्टली मार्च जैसे एंड हुआ, उसके बाद मेरे को डस्ट एलर्जी है, मतलब बेसिकली कुछ तो एलर्जी, आई डोंट नो डस्ट है क्या है, मुझे खांसी होती ही होती है। अब क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है और मेरे खांसी ऐसे है कि आराम से नहीं जाती, थोड़ा टाइम लेके जाती थी, बट ये है कि ऐसा नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, बट कोविड टाइम था तो मम्मा घर पे अकेले बहुत डर गए कि भाई ये तो खांसी कर रही है, ये ना हो कि इसको प्रॉब्लम हो जाए। मुझे भी डर लगा क्योंकि वो एजेड है, तो बिकॉज एजेड को जल्दी से होता था प्रॉब्लम, वो जल्दी कैच कर सकते हैं, तो मुझे और भी डर लगे कि मैं इस गिल्ट में जा रही थी कि मेरी वजह से उनको ना हो जाए। बट जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, गुरु जी ने, रिंकू जी ने जैसे स्टार्ट किया वो सुखमनी साहब जी का पार्ट, गुरु जी ने वो भी सेवा बख्शी कि घर बैठे बैठे उन्होंने ये सुखमनी साहब जी के पार्ट स्टार्ट करवाने। एंड ट्रस्ट मी गुरु जी की मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ, जैसे हमने वो पार्ट स्टार्ट किए हैं विद इन अ वीक और मे बी इन 15 डेज ओनली खांसी खत्म हो गई थी एक्चुअली। और वो सुखमनी साहब जी के पार्ट करके इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि कुछ उसको तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और गुरु जी कहते ही हैं कि गुरबानी सुनना कितना इम्पोर्टेंट है, पाठ करने ये वाले कितने अच्छे होते हैं, क्योंकि इससे हमारे आंसर्स हमें मिलते हैं। एंड ये फैक्ट है, इसमें हमें आंसर्स मिलते हैं अगर हम ध्यान से करें। नो डाउट बहुत सारे लोग पंजाबी नहीं होते, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी पंजाबी। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक एक करके, क्योंकि उसमें 25 अष्टपदियां हैं, एक एक करके, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, एक एक करके हम उसको लेके यूट्यूब पे हिंदी ट्रांसलेशन शुरू कर सकते हैं सुनना, उससे बहुत हमें बेनिफिट मिलता है। बट अब क्योंकि लकीली मैं एक पंजाबी फैमिली से ही हूँ, तो गुरुजी ने बहुत ही मेहर की इस चीज़ की कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ की, तो इतना रिलेट कर पाए। और उन्होंने कैसे सिर्फ सत्संग सुना, मतलब सुखमनी साहब जी के पाठ करा करा के ही ठीक कर दिया। तो ये भी उनका एक वे है संगत जी कि हम ऐसे भी ठीक होते हैं, मेडिसिन ही खाना जरूरी नहीं होता। और लोग सोचते हैं मिरेकल है, ये सिर्फ रहमत है गुरु जी की, रहमतें हैं जिसको हमें समझना है, देखना है और उनको सिर्फ थैंक यू बोलते। थैंक यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बस सीख लिया है और बस गुरुजी ऐसे ही रखे कि हर चीज में थैंक यू बोलते ही जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद फिर लॉकडाउन के थोड़े टाइम बाद सेकेंड टाइम, एक बार पहले भी गुरुजी ड्रीम में आए थे, सेकेंड टाइम गुरुजी इस बार ड्रीम में आए और हम लोग क्या कर रहे हैं कि बड़े मंदिर में है, क्योंकि कोविड टाइम है, वहां भी संगत ज्यादा नहीं। एंड ऑल्सो क्योंकि गुरुजी बोलते, मतलब गुरुजी के टाइम पे संगत बताती होती है कि एंड में बहुत ही लिमिटेड संगत एक होती थी, बाकी सबको गुरुजी घर भेज देते थे। तो बहुत लेट नाइट का टाइम है और गुरुजी अंदर गद्दी पे बैठे हैं और 2-3 सेवादार उनके आसपास हैं और मैं दादी के साथ गई हूँ कि हमने लंगर कर लिया, अब आज्ञा लेनी है। अब आज्ञा भी ले ली है लेकिन दोबारा ये मुझे बोलते हैं कि नहीं, मैं तो जाके दोबारा आज्ञा लूंगी। और मैं इनको बोलती हूँ दादी नहीं, अब आज्ञा अब क्या करनी, अब ले तो ली, क्योंकि सच में गुरुजी के आगे आप फेस, मतलब वो चीज मैं एक्चुअली फील कर पा रही थी इन द ड्रीम ओनली कि आप उनको आई कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हो। उनका ऑरा, उनका नूर एक्चुअली इतना तेज था जैसे कि पुरानी संगत बताती है, आप उनको नहीं कर सकते आई कॉन्टेक्ट। और मैं उनको बोल रही हूँ मम्मा क्यों जाना है, अब अंदर हो तो गया, नहीं जाना। अब कहते नहीं चलो अंदर, चलो अंदर चलेंगे। अंदर जाके मैंने तो मत्था टेकना दोबारा, मैंने कहा ठीक है, जाके गुरुजी के चरणों में बहुत जोर के लेट गए, मुझे नहीं पता मेरे को ठीक करो, मुझे नहीं पता मेरे को ठीक करो, ऐसे बोलने लग गए। और मैं बिल्कुल चुप, ऐसे सिर झुकाए नीचे खड़ी हूँ कि ये क्या कर रहे हैं और गुरुजी क्या बोल देंगे, कुछ नहीं पता। और गुरुजी ने पता नहीं क्या कुछ ऐसे उठाया और ऐसे ऐसे किया, आई डोंट नो गुरुजी ने मम्मा की कौन से कर्म थे जो ड्रीम में आके काट दिए, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम उनको होने वाली थी जो उन्होंने ड्रीम में आके उनको ठीक कर दिया। हाँ संगत जी, गुरुजी ड्रीम में आते हैं तो वो ड्रीम नहीं, वो साक्षात उनके दर्शन होते हैं। जो चीज, जो लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जो करते हैं, उनको पता होगा कि साक्षात उनके खुद के दर्शन है जो वो आके देखे जाते हैं। हम बहुत लकी हैं, जिनको नहीं होते वो भी बहुत लकी है और जिनको होते हैं वो भी बहुत लकी हैं।
तो उन्होंने ऐसे किया और उसके बाद मुझे कॉल आया कि दादी का एक्सीडेंट हो गया इन ड्रीम ओनली, कि वहां पे वो गिर गए हैं। तो मैं वहां जाके देखती हूँ उनको थोड़ी सी चोट लगी होती है, तो वो इन द ड्रीम ओनली उन्होंने आंसर दे दिया कि कहाँ उनका कोई बहुत बड़ा शायद एक्सीडेंट होना था, जो छोटे में ही उन्होंने थोड़े में ही उन्होंने उनको काट दिया और ठीक कर दिया। उसके बाद एवरी मंडे सावन में गुरुजी ने घर पे ही सत्संग करवाया और इतना अच्छा फील होता था, और अभी भी ऑब्वियसली होता है कि बहुत 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 थैंक यू है गुरु जी के। एक चीज और, अब जैसे हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं कि वो बताते हैं कि वो गुरु जी से मिले हुए हैं, गुरु जी को उन्होंने गुरु जी की सेवा की हुई है, उनके फीट टच किए हुए हैं, क्या उनको प्रॉब्लम नहीं आती? क्या वो मतलब उनको सिचुएशन नहीं इफेक्ट करती होगी? अभी करती है, अभी भी करती है, आप किसी भी संगत से पूछ लेना, बट उनको सिर्फ एक तरीका आता है संगत जी, दैट इज थैंक यू करना। हर हाल में तेरा पाना मीठा लगे, उनको ये कहना गुरु जी ने सिखाया है और हमें भी सिर्फ वही करना है। हमें सिर्फ उनको थैंक यू करके जिस सिचुएशन में वो रख रहे हैं, चाहे वो अच्छी है बुरी है, अच्छी या बुरी है हमारे अकॉर्डिंग होती है, गुरु जी के अकॉर्डिंग वो हमें हमेशा सबसे बेस्ट और द बेस्ट सिचुएशन में रखते हैं। वो कभी हमें दुखी देखना नहीं चाहते। ये हमारे कर्म है जो ऐसे होते हैं कि वो भी हेल्पलेस हो जाते हैं, कि कुछ एक टाइम बाद तो काट के ही तो आगे करोगे ना, जब तक वो कर्म कटेंगे नहीं तब तक वो हमें ब्लेसिंग कैसे देंगे? उनकी ब्लेसिंग से तो इतने कर्म इतने हो गए हैं, बट इतने तो काटने ही पड़ेंगे ना हमें। तो पुरानी संगत जी को भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी उतना ही चीजों से अफेक्ट होते हैं, बट उनको सिर्फ थैंक यू करना आता है और हमें भी सिर्फ वही सीखना है, थैंक यू करना, बिकॉज वी बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर वेरी वेरी लकी कि गुरु जी के शरणों में हैं हम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और एक बात, मैंने एक वो स्टोरी सुनी थी जो गुरु जी ने अपने संगत में किसी को सुनाई थी, वो ये थी कि एक राजा और वो शिकार करने जाता है, मतलब फॉरेस्ट में शिकार करने जाता है लायंस वगैरह का। बट एक बारी क्या होता है, उसको बहुत प्यास लगी होती है और वहां पे एक साधु जी बैठे होते हैं। अब साधु जी बैठे होते हैं, वो बिल्कुल अपनी तपस्या कर रहे होते हैं और बिल्कुल उसमें लीन होते हैं, कि मतलब जैसे साधु जी होते हैं। अब वो जाके उनको बार बार हिलाता है कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, वो नहीं सुनते क्योंकि वो तपस्या कर रहे होते हैं, तो वो नहीं सुनते। वो उनको बार बार फिर हिलाता है, वो नहीं सुनते। तो इतने में राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो उनके जो वो हॉर्स पे गए होते हैं उन्होंने लीड उन्होंने पॉटी की होती है और वो उसका कुछ बना के गोला और वहीं उनके अंदर कुटिया में रखाते हैं कि इसने मुझे पानी नहीं दिया ना, ये मेरी बात नहीं सुन रहा। तो उन्होंने आउट ऑफ गुस्सा उन्होंने वो उठा के उनके गंदगी उनके उसमें रख देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़े सालों बाद फिर से आता है राजा। अब फिर से राजा आया तो राजा ने उनको बोला मुझे पानी चाहिए। इस बार वो मतलब तपस्या में नहीं थे, वो उनको देख पा रहे थे और उनसे बात कर सकते थे। तो उन्होंने उनको बोला, हाँ राजा बोल क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला पानी चाहिए। तो राजा उन्होंने बोला साधु जी ने, जाओ अंदर जाके पानी पी लो, कुटिया है साथ में, जाके अंदर पानी पियाओ। तो वो अंदर जाता है तो वहां पे इतना सारा वो गंदगी जो वो इतनी करके गया था ना, वो इतनी सारी गंदगी वहां रखी होती है। तो वो पानी पी के खैर आ जाता है। वो आता है तो गुरुजी इसको वो साधु जी को बोलता है कि ये कैसी की कुटिया है आपकी, इतनी गंदी सी, ये सब क्या रखा हुआ है आपने? तो वो कहता है वो मेरे कुछ नहीं है। साधु जी कहते हैं वो तुम्हारे कर्म है, जो तुम्हारे इतने से इतने सारे कर्म हो गए हैं। तो वो डर जाता है कि अब क्या, अब ये इतने सारे कर्म मुझे ही भोगने पड़ेंगे। तो वो राजा जी बोलता है कि कुछ तो करो आप साधु जी, प्लीज इसको कम कर दो। तो वो कहते हैं कि आप वापस जाओ अपने अपने किंगडम में, अपने वहां पर, और वापस जाके ना सबसे अपनी बुराइयां करवाओ। जितनी आप बुराइयां करवाओगे ना, आपके सारे कर्म कट हो जाएंगे, बुरे कर्म सारे कट जाएंगे आपके। अब वो जाता है, अब क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला होता है, सबको बहुत दुखी करता है, तो ऑटोमेटिकली सब उसके लिए बुरा बोल ही देते हैं, ना चाहते हुए भी बुरा बोल देते हैं कि हाँ ठीक है इसने तो गलत किया था, अच्छा हाँ ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। क्योंकि ऐसा वैसा बोलने से उनके कर्म तो कट रहे थे, पर उनके जो अच्छे कर्म थे वो सारे इसके पास फॉरवर्ड हो रहे थे, तो वो बैलेंस करता जा रहा था। ठीक है, वो कट हो गए उसके सारे कर्म। वापस आया तो उन्होंने बोला कि मैंने तो बहुत अपनी बुराइयां करवा ली हैं, अब बताओ अब सब खत्म हो गया कि नहीं हुआ? तो उन्होंने बोला जाके देख लो कि खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे वो गया तो वो इतना सा ही गोला रखा था जो उन्होंने अपने हाथों से बना के अंदर रख के आए थे। तो वो कहते इसका क्या? वो कहते इसको तो आपको अपने आप ही खत्म करना है। तो उन्होंने बोला नहीं, आप बताओ कैसे होगा? उन्होंने बोला एक इंसान है आपके किंगडम में जिसने आपकी बुराई नहीं की। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं जाके देखता हूँ अगर वो करेगा। अब वो गए वापस और उन्होंने उनको बोला वो तलवार को बार बार उसमें धार लगवाने के लिए,
उनके पास जाते थे, उनको डिस्टर्ब करते थे कि ये परेशान हो जाए मेरे से, मैं उसको बार बार धार को खराब कर दूंगा, वो बार बार धार लगाएगा, तो ऑब्वियसली कोई बंदा एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरी बार में चिढ़ जाएगा, बट वो नहीं चिढ़े, वो कहते मुझे पता है तू जहां से आया है ना, मैं उसी का शिष्य हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से अपने इतने अच्छे कर्म इकट्ठे किए हैं, बहुत थोड़े से, मैं अपने कर्म आपको नहीं दूंगा आपकी बुराइयां करके, वो वापस आ जाता है कि उसने भी मेरी बुराई नहीं की। तो फिर उसके बाद साधु जी उसको बोलते हैं कि ये तो आपको खाना पड़ेगा अब, तो तभी खत्म होंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे कैसे खत्म होंगे, आप कुछ तो करो इसको। तो उन्होंने उसको फिर बोला कि इसको जला दो और इसको पुड़िया बना के खा लेना, लेकिन खाने तो आपको ही पड़ेंगे। तो इसका सिर्फ यही कहना है कि गुरु जी ने तो हमारे इतने सारे बुरे कर्म को इतना कर दिया है, लेकिन इसको तो हमें काटना ही पड़ेगा, और काटना तो उन्हीं के साथ है, तो क्यों ना इसको हंसते हंसते ही निकाल लें। टाइम तो बुरा आएगा ही, जो हमने कर्म किए हैं, हमें लगता है यार इस बार हम इस लाइफ टाइम में जब से गुरु जी से जुड़े हैं या जिस भी रब से आप लोग जुड़े हो, हमने तो सब अच्छा अच्छा ही किया है, सब बुरा क्यों हो रहा है फिर? मैं तो किसी का बुरा नहीं करती, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ क्यों बुरा? मैं तो सबका अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। बट इस बार की बात तो हो ही नहीं रही ना, बात तो कब से हो रही है, पता नहीं कौन से लाइफ टाइम के हमारे कर्म है जो हमने गंदे किए थे, वो वापस तो आएंगे ही आएंगे। अब जो वापस आ रहे हैं तो वो खत्म ऐसे ही होंगे कि गुरुजी से हम माफी मांगे, थैंक यू बोले कि गुरुजी प्लीज हम आगे से ये रिपीट भी नहीं करेंगे, और जो हो गए हैं प्लीज आप साथ खड़े होके इसको खत्म करवाना। तो यही होता है कि थोड़ा अच्छे से टाइम निकल जाता है जो बुरा भी टाइम आना होता है, तो ऐसे करके हम लोग ये कर सकते हैं। यही मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, यही आप लोग भी प्रैक्टिस करो। आई होप मैं कोई पॉइंट भूल ही नहीं हूँ। और कल क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत नर्वस और बहुत सारी मिक्स से इमोशंस थे, तो मैं अपनी एक संगत दीदी से शेयर कर रही थी ये चीज़ कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया। मैसेज पे भी एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जो भी ये गुरु जी के वचन आते हैं, गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, ये सब के सब हमारे लिए हो ये नहीं है इम्पोर्टेंट, ये चीज हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट हो ये जरूरी नहीं है, और जबरदस्ती हमें इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत भी नहीं है। जो हमारे लिए लेसन, जो हमारे लिए मैसेज होगा वो गुरुजी हमारे तक पहुंचा देंगे। एंड ट्राई हम यही करें कि हम डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाएं, प्रेयर करें और अपने पाठ पूजा करें। पाठ करने से बहुत एक तो सूदिंग लगता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है, उसी में आंसर्स मिल जाएंगे, हमें बाहर से आंसर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो वो सब हमारे लिए नहीं होता। हम लोग कई बार क्या करते हैं, अच्छा ये आज आंसर आया है या ये आज मैसेज आया, दैट मींस ये तो मेरे लिए है। अब वो चाहे मेरे लिए था भी नहीं, गुरुजी ने तो हमें नहीं बोला ना कि वो तेरे लिए है, तो वो हम जबरदस्ती अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर कुछ गलत हो जाता है, फिर बोलते हैं यार गुरुजी आपने देखा, आपकी बात मान के मैंने ये कर दिया फिर भी ठीक नहीं हुआ। नहीं, वो हमारे लिए था ही नहीं, वो गुरुजी ने कब बोला कि हमारे लिए था? तो इस चीज को ठीक है आप पढ़ो, आपको अच्छा लग रहा है, बट उस चीज को फिर अपनी लाइफ में उतना इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है हमें। एंड सेम थिंग हम किसी कभी किसी सत्संग में गए हैं, सपोज किसी चार लोगों को ओम दर्शन हो रहे हैं, किसी चार लोगों को त्रिशूल जी के दर्शन हो रहे हैं, किसी के भी दर्शन हो रहे हैं, हमें उसको ऐसे नहीं करना कि ओ दे आर सो लकी कि उनको दर्शन हो रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग उसमें है कि उनको दर्शन हो रहे हैं, एंड हमारी ब्लेसिंग इसमें है कि हमें दर्शन नहीं हो रहे। जिसको जिस चीज में जो गुरुजी ने ब्लेसिंग देनी है वो उतनी ही देनी है, आपकी 100% ब्लेसिंग आपकी ही है, वो कोई नहीं लेके जा सकता और वो कोई नहीं लेके जाएगा, वो गुरुजी ने आपको देनी है, वो आप ही को देंगे। तो हमें ये चीजें छोड़ के कि वहां पे दर्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, हमें नहीं दिखा, या इस गिल्ट में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहम नहीं करना सबसे बेस्ट ये है, हमें वहम करना ही नहीं है कि हमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, जो गुरुजी दिखाना चाह रहे हैं ना हमें वही दिख रहा है। तो अगर किसी को दर्शन हो रहे हैं तो वो उन्हीं के लिए है, तो उन्हीं को होने दो ना, हमें गिल्ट में क्यों जाना। तो जो ये कल उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था, मैं ये रीड करके थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी, मेरी थोड़ी गंदी सी आवाज है प्लीज माइंड मत करिएगा। तू बंदा है गुरुजी का, अपने फूल से चेहरे को मुरझाया ना कर। तू बंदा है गुरुजी का, अपने फूल से चेहरे को मुरझाया ना कर। जब तक तेरे सर पर हाथ है सतगुरु का, तब तक किसी भी बात से घबराया ना कर। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश ना कर। दिल खोल कर सांस ले, दिल खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। कुछ बातें गुरु पर छोड़ दे, कुछ बातें गुरु पर छोड़ दे,
सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। जय गुरु जी।